लोगों का स्वागत है केजे क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। मैं दीपक छाबड़ा फाजिलका पंजाब से। आज हम कपिल सर से 43B जो न्यू चर्चा में आ रहा है, सर ये 43B क्या है, ये सर प्लीज़ हमें ये बताएं। बहुत क्वेरी आ रही है सर, ये 43B क्या है, क्या हमें इनसे डिडक्शन मिलेगी, क्या है, प्लीज़ आप। तो पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को बता दूँ दीपक जी, ये जो सेक्शन 43B है ये इनकम टैक्स का सेक्शन है। इसके अंदर एक क्लोज एच है जिसको लेकर लोग डरे हुए। ये क्लोज एच क्या कहती है, देखो मोदी जी ये कह रहे हैं भाई साहब कि छोटे व्यापारियों को परेशान मत करो। छोटे व्यापारियों का मतलब है MSME, ठीक है ना, जो मीडियम स्मॉल है, कह रहे उन्हें परेशान मत करो, उनकी पेमेंट टाइम पे कर दो। अगर आप उनकी पेमेंट टाइम पर नहीं करोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर मुद्दा ही आता है कि भाई किन की पेमेंट टाइम पे करनी है, जो लोग MSME में रजिस्टर्ड है। जैसे कि लेट सपोज करो मैंने किसी, ठीक है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस ले ली और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब MSME में रजिस्टर्ड, ठीक है ना, उनके पास सर्टिफिकेट है। MSME में रजिस्ट्रेशन कैसे लेते हैं उस पर हमने एक वीडियो बना रखी है, आप गूगल पर जाकर उसे सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हो और MSME में रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। अब मुद्दा क्या है कि जिस व्यक्ति ने MSME में रजिस्ट्रेशन ले लिया वो गवर्नमेंट का एक प्यारा बच्चा हो गया कि भाई ये छोटा सा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, इसे कोई परेशान नहीं करेगा। तो उसे परेशान ना करे तो सबसे पहली बात इस चीज़ पे गौर दिया गया है कि भाई अगर मैंने MSME से कोई सर्विस ले ली या कोई गुड्स ले लिए, ठीक है ना, तो मुझे उसकी पेमेंट करनी है। कैसे करनी है उसकी पेमेंट, जो MSME एक्ट में टाइम लिमिट है उसके अंदर मुझे उसकी पेमेंट करनी है, ठीक है ना जी। अगर मैं वो पेमेंट नहीं करूंगा तो इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है, इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है भाई उसका एक्सपेंसेस हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, जब आप पेमेंट करोगे तब हम आपको अलाउ करेंगे। ये मुद्दा है सर। हमें एक चीज और बताएं, ये एप्लीकेबल ओनली मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर वालों को है कि ट्रेडर वालों को भी है? पहले ना आपको ये चीज समझनी होगी कि MSME के अंदर रजिस्टर्ड कौन होता है। MSME एक्ट के अंदर जो रजिस्टर्ड होता है वो मैन्युफैक्चरर होते हैं और वो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ओके, ठीक है ना, तो वो ट्रेडर वहाँ पर वो रजिस्टर्ड ही नहीं होते। तो इसलिए मेरे हिसाब से एज पर माई नॉलेज ये ट्रेडर्स पर एप्लीकेबल होगा। ये ट्रेडर्स वालों के लिए बहुत खुशखबरी है कि वो इससे बाहर है। हाँ नहीं, लेकिन अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर और मैन्युफैक्चरर है और वो MSME में रजिस्टर्ड ही नहीं है, क्योंकि MSME में रजिस्ट्रेशन करने के कोई पैसे नहीं लगते, पोर्टल पर जाओ हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन वो वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं। तो यहाँ पर ये चीज़ समझनी है कि यहाँ पर सेफगार्ड किया गया है किसे, कि भाई जो MSME है, तो अगर मैं रजिस्टर्ड हूँ या नहीं मैटर नहीं है, लेकिन अगर मेरे क्रेडिटर्स लिस्ट में, अगर मेरे बैलेंस शीट के क्रेडिटर लिस्ट में वो शो हो रहे हैं ऐसे क्रेडिटर जो MSME है, तो मुझे उनकी पेमेंट टाइम पे करनी है। सर ये एक टाइम लिमिट भी बता दो कि जो MSME में रजिस्टर्ड है और जो MSME में रजिस्टर्ड नहीं है उसकी टाइम लिमिट भी बता दो। देखो जो MSME में रजिस्टर्ड नहीं है उसकी तो भाई कोई ऐसी टाइम लिमिट है नहीं, ठीक है ना, उसकी तो आप पेमेंट 6 महीने में करो 8 महीने में करो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो MSME में रजिस्टर्ड लोग हैं, ठीक है, उसके लिए क्या कहा गया है कि भाई जो लोग MSME में रजिस्टर्ड हैं दो तरीके के लोग होंगे, या तो उन्होंने आपके साथ एग्रीमेंट करा होगा, एग्रीमेंट करके बोला होगा कि भाई पेमेंट कितने दिनों के अंदर आनी है। तो अगर उन्होंने एग्रीमेंट करा है तो उनके केस में पेमेंट आपको 45 डेज के अंदर देनी है, ठीक है ना। अगर आप 45 डेज के अंदर पेमेंट को नहीं दोगे, ठीक है ना, अगर आप 45 डेज के अंदर नहीं दोगे, या तो एग्री डेट या 45 डेज, 45 मैक्सिमम है। आप ये कहने लगो सर मेरा तो एग्रीमेंट 2 साल का है, मैं तो 2 साल बाद पेमेंट दूंगा, ऐसे नहीं चलेगा, 2 साल बाद नहीं चलेगा, आपको 45 दिनों के अंदर पेमेंट करनी है। और अगर वहाँ पर कोई एग्रीमेंट नहीं है, अगर वहाँ पर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो आपको 15 दिनों के अंदर उसकी पेमेंट करनी है। अगर आप ये नहीं करते हो, ठीक है ना, 31 मार्च को आपकी बैलेंस शीट में क्रेडिटर खड़ा रह जाता है, ठीक है, और पता चल जाता है कि इसकी पेमेंट नहीं करी गई है एज पर MSME एक्ट, तो ये आपके एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाएंगे। सर एक चीज़ और, मैंने May 2023 को, ठीक है, परचेज की गुड्स, ठीक है, उसकी पेमेंट मैंने Feb 2024 को कर दी। हाँ तो ये 31 मार्च में पेंडिंग ही नहीं है ना, 31 मार्च में पेंडिंग ही नहीं है। पहली बात तो गुड्स है, गुड्स को तो छोड़ दो, हम बात करके चल रहे हैं कि अगर वो गुड्स है तो आपने मैन्युफैक्चरर से परचेज करा होगा जो MSME में रजिस्टर्ड है, ठीक है ना। तो अगर 31 मार्च को पेंडिंग नहीं है तो मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं आने वाला इस केस में। अगर मैंने 15 मार्च को परचेज किया, हाँ, और उसकी पेंडिंग पड़ी है पेमेंट, तो इसका, हाँ, क्या इफेक्ट होगा? अब मान लो आपने 15 मार्च को परचेज करा, 31 मार्च को तो पेंडिंग है, लेकिन अभी 45 डेज तो नहीं बीते, आपने मान लो इसकी पेमेंट कर दी 15 अप्रैल को, ओके, तो इसका मतलब आपने क्या करा 45 डेज के अंदर ही कर दी, तो तब भी आपको अलाउ जाएगा, ठीक है ना जी। क्या सर आने वाले बजट जो फर्स्ट
फेब को आने की उम्मीद है, फर्स्ट फेब को आएगा, तो क्या उसमें हमें रिलैक्सेशन मिलेगी? नहीं, आप किसके रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं? तो नहीं, ये तो एमएसएमई को तो रिलैक्सेशन है ना, ये तो एमएसएमई के लिए तो बेनिफिट है ना कि भाई एमएसएमई को ये बेनिफिट हो रहा है। तो गवर्नमेंट तो चाह रही है कि जो छोटे उद्योग है उनकी पेमेंट टाइम पर रिलीज होती रहे, उन्हें कोई दिक्कत ना, उन्हें अपना व्यापार करने में दिक्कत ना, क्योंकि अगर उनकी पेमेंट नहीं जाएगी, उन्होंने बैंकों से लोन ले रखा है, वो लोन की ईएमआई कैसे पे करेंगे, लोन कैसे पे करेंगे। तो यहाँ पर रिलैक्सेशन इन लोगों को ही दी गई है, ठीक है ना, कि भाई छोटे स्मॉल जो वो हैं, ठीक है ना, उन लोगों को, बिजनेसिस को कोई दिक्कत ना, ठीक है ना जी। आई थिंक सारे क्वेरी कंप्लीट हो गई है सर, थैंक यू। काफ़ी परेशानी आ रही थी एमएसएमई के थ्रू, 43 भी सर क्या है, काफ़ी कॉल आ रही हैं, आपने सारी प्रॉब्लम आई थिंक सारी क्वेरी कर। नहीं, इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप ये चीज़ों को ध्यान नहीं रखोगे तो आपका इनकम टैक्स में डिसअलाउ हो जाएगा। और इसीलिए अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमारा 17 फरवरी से बैच आ रहा है, 17 फरवरी से जो हमारा बैच है वो बेसिकली इनकम टैक्स के ऊपर ही है। इनकम टैक्स के अंदर हम आप ये बताने जा रहे हैं कि भाई आप बैलेंस शीट कैसे फाइनल करो, ठीक है ना, बैलेंस शीट फाइनल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद हम TDS TCS के बारे में बताएंगे, इनकम टैक्स फाइलिंग के बारे में बताएंगे। तो अगर किसी ने अभी तक ये कोर्स ज्वाइन नहीं करा है तो फटाफट से इसे ज्वाइन कर लो, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो, उसके अंदर आपको ये सारी डिटेल बताएंगे, ठीक है, जिससे कि आपकी बैलेंस शीट कुछ गड़बड़ ना हो। ठीक है जी, इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।